सिगरेट पहली बार हाथ में ली थी तब कांप रहे थे हाथ, पर अब तो इसी का एहसास भले दिन हो या रात। इस लास्ट वाली में तीन कश निकले प्लस एक फिल्टर और करूं क्या, तन्वी पल्लवी कोई देखती नहीं मेरी ओर। सोचा तन्वी तो इंगेज हो गई, पर पल्लवी पे चांस मारूंगा और हाँ करी तो हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दूंगा। ट्राई मारने गया तो फटके ऑब्वियसली आ रही थी बार, पर सोचा करना ही होगा इस बार आर्य पार। पर उसकी एक नहीं से हो गए दिल के टुकड़े हजार, पहले थी दिन की तीन सिगरेट अब हर घंटे की चार। ये एक मुसीबत नहीं जिसे मैं साला झेल नहीं सकता, डीएसपी का भी तो पेपर है जिसमें झटका लग सकता। बेसमेंट कैट से फटी हो तो ये सुई सिलती है, ₹5 की जड़ी बूटी हर पनवाड़ी पे मिलती है। जाओ जलाओ सुलगाओ भूल जाओ सो जाओ, कभी अकेलापन फील करो तो इसकी शरण में आओ। इतनी सल्फेस है कि खुद जलकर भी रिलीफ दिलाती है, सुटोरियो के शब्दों में कुत्ते से ज्यादा वफादार कहलाती है। एक आइडियल गर्लफ्रेंड जो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और मजे लेकर फेंक दो तो वापस मुंह नहीं दिखाती है। हाथ में रखो तो स्टाइल या एडिक्शन एक चीज कहलाती है, लड़कियां देखकर अट्रैक्शन या सिंपैथी पास जरूर आती हैं। फिर एक दिन लंग्स का काला एक्सरे निकलता है और टीबी का स्पॉट भी साफ पता चलता है। डॉक्टर कहता है कि अब एक भी सिगरेट और लंग्स की बर्बादी है, पर इतनी पुरानी फ्रेंडशिप यूं ही तोड़ी थोड़ी ना जाती है। और तुम तोड़ भी दो तो सिगरेट तो साथ निभाती है, वो हर सेकंड तुमको वापस अपने पास बुलाती है। तुम जाते हो जलाते हो एक कश में सब भूल जाना चाहते हो, बट वेट इस टाइम तुम बस खांस कर रह जाते हो। एक बड़ी खांसी के साथ थोड़ा फ्लूइड भी निकलता है, ध्यान से देखो लाल रंग साफ पता चलता है। तब लगता है कि उन चूतियों की हर एक एडवाइस सही थी और अब तक तुम सिगरेट को नहीं बल्कि सिगरेट तुमको पी रही थी। चक्कर सा आता है, आसमान फट सा जाता है, पांव के नीचे जमीन नहीं रहती, पसीना आता है, दिल घबराता है, टेंशन इतनी हो जाती है कि मन फिर से ललचाता है, पर इस बार कोशिश करो तो हाथ रुक ही जाता है। तड़प उठती है फिर भी बंदा कंट्रोल लगाता है, धीरे धीरे वो वापस नॉर्मल होने लग जाता है। फिर कोई चुन्नी लाल आता है, दोस्ती का वास्ता दिलाता है और लाइफ की आखिरी सिगरेट अपने हाथों से जलाता है। बंदा बेचारा मना नहीं कर पाता है, खुशी से पी जाता है, थोड़ा खांसता है और सो जाता है। अगले दिन किसी पारो और मेरे केस में पल्लवी के घर के बाहर मरा हुआ पाया जाता है।